अगर आप एक कॉम्पैक्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं ना विद टॉप नॉच परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग स्टैटिक एंड अ फैंटास्टिक डिजाइन जिसका इन हैंड फील भी बहुत अच्छा हो देन सैमसंग एस सीरीज कैन डेफिनेटली फुलफिल योर ड्रीम क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ अच्छा देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस स्क्रीन कैमरा डिज़ाइन सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है और सैमसंग ने अपने हर साल नए स्मार्टफोन के साथ चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाया है अनटिल नाउ 2024 में जो सैमसंग ने S24 लॉन्च किया हुआ है उस स्मार्टफोन से बहुत ज्यादा लोग संतुष्ट नहीं है और कुछ हद तक मुझे भी ये स्मार्टफोन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा है और इसी वजह से मैं इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी S24 को इसके प्रीवियस जनरेशन सैमसंग गैलेक्सी S23 के साथ कंपेयर करने वाले हैं और बताएंगे आपको कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर है और अगर आपके पास पहले से ही सैमसंग गैलेक्सी S23 है तो आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं S24 में इस बारे में बात करेंगे सब लेट्स गेट स्टार्टेड So first let's talk about the design. तो देखने में Samsung Galaxy S24 last year के Samsung Galaxy S23 जैसा ही दिखता है There is no physical changes at all except one thing that is the flashlight. Yes, they have simply relocated the flashlight slightly lowered position between the two cameras unlike the Samsung Galaxy S23 where it was at the top. और इसी तरीके से फ्रंट में भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे They have increased the screen size by shrinking the bezels from 6.1 inches to 6.2 inches. But फोन का साइज नहीं बढ़ाया गया है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बेजल्स आपको पहले से बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है सोशल मीडिया एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये आप तभी नोटिस करोगे जब आप दोनों स्मार्टफोन को साइड बाई साइड कंपेयर करोगे अदरवाइज अगर आप अलग अलग यूज़ करोगे तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं होगा बाकी इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा आपको देखने को मिल जाता है वजन में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है 1 ग्राम का डिफरेंस है और मेरे ख्याल से वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन में भी आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S24 में स्क्रीन का ब्राइटनेस 1750 निट्स से बढ़ाकर 2600 निट्स कर दिया गया है और इंडोर लाइटिंग कंडीशन में अगर देखा जाए तो आपको दोनों स्मार्टफोन एक जैसे नजर आएंगे ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा बट जब आप दोनों स्मार्टफोन को आउटडोर में लेके जाएंगे तो आउटडोर में जो है ना आपको पीक ब्राइटनेस सैमसंग गैलेक्सी S24 2600 निट्स तक दे सकता है और ये हार्श लाइटिंग कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इसके अलावा स्क्रीन में और कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं दोनों स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और सोशल मीडिया स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस हो या फिर वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस हो दोनों स्मार्टफोन में आपका बहुत अच्छा होने वाला है सैमसंग ने इस बार S24 के दो वेरियंट लॉन्च किए हैं First comes with Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 processor, which is limited to US, China and Canada. And the global version comes with Exynos 2400 processor, which is much cheaper than Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. And comparatively, performance bhi uska utna acha nahi hai. But Samsung kehta hai ki Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 jaisa hi similar performance deta hai. और आपको परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर अगर आप एंटूटू स्कोर देखें तो यहाँ भी आपको 5-6 लाख का डिफरेंस देखने को मिल जाता है व्हिच इज रियली ह्यूज और सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप इसके प्रीवियस जनरेशन स्मार्टफोन यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S23 से भी कंपेयर करें तो उस प्रोसेसर से भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है जो कि है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 तो इस प्रोसेसर को Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 से कहीं से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं ये प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी है मतलब इसका जीपीयू उतना अच्छा तरीके से काम नहीं करता है जितना कि सैमसंग गैलेक्सी S23 का जीपीयू काम करता है मैंने दोनों स्मार्टफोन में जीपीयू स्ट्रेस टेस्ट रन किया और रिजल्ट मुझे सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा मतलब आप देख सकते हो एक्सिनोस 2400 56% रिजल्ट दिया है और इसका प्रीवियस जनरेशन सैमसंग गैलेक्सी S23 विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 64% लाया है और ये डिफरेंस सच में बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट का ग्राफ जितना ज़्यादा ग्रीन रहेगा स्मार्टफोन उतना कम हीट प्रोड्यूस करेगा और प्रोसेसर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा और ये चीज़ मैंने गेमिंग के वक्त नोटिस भी किया है जब मैं दोनों स्मार्टफोन से गेम खेल रहा था फॉल्ट 9 तो S24 मुझे ज़्यादा हीट होता हुआ नजर आया जबकि S23 उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था व्हिच इज नॉट अ गुड साइन फॉर सैमसंग गैलेक्सी S24 और इस हीटिंग इशू की वजह से ही स्मार्टफोन में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है बट ये आप नोटिस नहीं करोगे अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो डे टू डे टास्क करते हो मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो
तो आपको उतना ज़्यादा स्मार्टफोन हीट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। बट अगर आप गेमर हो, बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो, कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और वीडियो वगैरह एडिट करते हो, तो आपको लॉन्ग रन में ये स्मार्टफोन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि बैटरी इशू आपको सबसे जल्दी देखने को मिल जाएंगी। और दूसरा जो प्रॉब्लम होगा वो होगा थर्मल थ्रॉटलिंग, यानी कि जब आप धूप में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो स्मार्टफोन स्टक हो जाएगा, थ्रॉटलिंग आपको देखने को मिल जाएगा और ये इफेक्ट आपको वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही जब आप गेमिंग करोगे तो वहाँ भी आपको थर्मल थ्रॉटलिंग देखने को मिल जाएगा। सो ये एक इशू है प्रोसेसर के साथ। बट अगेन आई वुड से इफ यू आर अ नॉर्मल यूजर यू मे नॉट नोटिस दैट मच ऑफ प्रॉब्लम। बैटरी पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है 100 mAh, यानी कि S23 में आपको देखने को मिलता था 3900 mAh की बैटरी और इस स्मार्टफोन में दिया गया है 4000 mAh की बैटरी। और कहीं ना कहीं ये एक इम्प्रूवमेंट है, बट इम्प्रूवमेंट मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हीट होता है और हीटिंग की वजह से स्मार्टफोन का बैटरी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होता है। सो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आपको बहुत ज़्यादा बैटरी का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट हाँ, हो सकता है अगर सैमसंग अपडेट के जरिए स्मार्टफोन को ऑप्टिमाइज करे तो शायद सैमसंग गैलेक्सी S23 से ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप देखने को मिले सैमसंग गैलेक्सी S24 में, बट थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्मार्टफोन। Yes, I'm gonna talk about the camera. कैमरा S23 का ऑलरेडी बहुत अच्छा है और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो कार्ड पर लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि S23 का कैमरा कितना ज़्यादा अच्छा है। बट सैमसंग गैलेक्सी S24 कम्स विथ इम्प्रूव्ड कैमरा क्वालिटी, बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। बट दोनों स्मार्टफोन को साइड बाय साइड कंपेयर करने पर आप एक चीज़ देखोगे कि कलर कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा S24 में, साथ ही इमेज में आपको डिटेल्स ज़्यादा देखने को मिलेगा S24 में। और इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा नोटिस तो नहीं होता है, बट हाँ अगर आप कैमरा बहुत ज़्यादा यूज करते हो तो आपको ये नोटिस जरूर नजर आएगा। हमने दोनों स्मार्टफोन से बहुत सारे फोटो कैप्चर किए हुए हैं और एक ही चीज मुझे समझ में आया कि डिटेल्स जो है ना आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी S24 में, कलर आपको ज्यादा एक्यूरेट या फिर क्लोज टू नेचुरल देखने को मिलेगा S24 में, और वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी बहुत इंप्रूव की गई है S24 में। कलर आपको ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं, क्लोज टू नेचुरल देखने को मिल जाते हैं और डिटेल्स भी आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया S24 में कि S24 जो है ना फ्लेयर उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है जितना अच्छे तरीके से सैमसंग गैलेक्सी S23 हैंडल कर पाता है, और रिफ्लेक्शन जो है ना आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे S23 में, विच इज़ रियली ग्रेट। और सेम चीज़ आपको फ्रंट कैमरा में भी देखने को मिल जाएगा, इमेज की क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगी, मच इम्प्रूव्ड क्वालिटी और ज़्यादा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे सैमसंग गैलेक्सी S24 में कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S23। उस तरीके से अगर वीडियो की भी बात करें तो वीडियो की भी क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी S24 में। Now the conclusion. अगर आपने वीडियो पूरा देखा और ये पार्ट गलती से भी मिस कर दिया तो आपके लिए पूरा वीडियो बेकार है, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जो होता है ना वो बहुत भयानक होता है। सो बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, या फिर अगर आपके पास पहले से ही S23 है तो S24 में आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर आपके पास S23 पहले से है और अगर आपको कैमरे का रिक्वायरमेंट है और आप कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ही चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हैं S24 में, क्योंकि S24 में आपको ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव्ड कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से काम किया गया है, मतलब सैमसंग गैलेक्सी S24 जो है ना सैमसंग गैलेक्सी S23 ही है, छोटी छोटी जो कमियाँ थी उसको सुधारा गया है। बट हाँ, एक चीज़ को मुझे लगता है कि डिग्रेड ही किया गया है, वो है इसका परफॉर्मेंस, यानी कि प्रोसेसर। प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है जितना कि आपको S23 में देखने को मिल जाता है, और मुझे लगता है कि अब सैमसंग हर साल ऐसे ही करने वाला है, US, चाइना और कनाडा में स्नैपड्रैगन वर्जन लॉन्च करेगा और यहाँ लॉन्च करेगा अपना फालतू एक्जिनोस वर्जन। खैर, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो फिर आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा, और दोनों में से आप कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हैं, आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। बट अगर आप गेमर हैं, मतलब थोड़ी बहुत गेमिंग करते हैं या फिर कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कंसर्निंग है। और कैमरा यूज़ करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप S24 खरीद लीजिए, लेकिन हीटिंग इशू आपको ज़रूर महसूस होगा। बट अगर आपको हीटिंग से प्रॉब्लम है तो फिर आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक अच्छा अपग्रेड है हर एरियाज़ में, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर को छोड़कर। तो अगर आपको परफॉर्मेंस से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है तो फिर आप सैमसंग गैलेक्सी S24 खरीद सकते हैं, अदरवाइज सैमसंग गैलेक्सी S23 भी ख़राब नहीं है, वो भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है,
आप उसको भी डेफिनेटली खरीद सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी करना, बट प्लीज़ मेंशन द रीज़न ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सलाम, माय नेम इज शाकिर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।